एडीआर और जीडीआर में क्या फर्क है? एडीआर जीडीआर होता क्या है सबसे पहले, दैट वी विल अंडरस्टैंड। सी, डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब होता है कि आपने कोई कंपनी में डिपॉजिट किया। अभी इंडिया पे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आप किधर से खरीदोगे? एक तो बीएससी से खरीदोगे या फिर एनएससी से खरीदोगे? एग्जाम्पल दिखाता हूँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है बीएससी। तो बीएससी में हम लोग एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे। बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो इधर आप किधर से खरीद सकते हो? बीएससी से खरीद सकते हो या फिर आप एनएससी से भी खरीद सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी यू हैव टू बाय इन बीएससी ओनली, यू कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम एनएससी। Okay, so this is Reliance share price in NSE and this is Reliance share price in BSE. दोनों में देखो almost same rate ही है, ऐसा कुछ rate का फर्क नहीं है, there is no big rate difference. बराबर। तो अभी समझो BSE NSE का मतलब, BSE NSE का मतलब है जहाँ से आप लोग शेयर खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। तो इसे क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। तो हर एक कंपनी को जिसको भी शेयर सेल करना है उनको क्या करना होता है? अपने आप को लिस्ट करना होता है। किधर लिस्ट करना होता है? एनएससी या फिर बीएससी में लिस्ट करना होता है। ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तो हम लोग सिर्फ उसके बारे में एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फिलहाल के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि बीएससी और एनएससी में क्या क्या आता है। अभी देखो यहाँ पे एक और दिया हुआ है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज करके। अभी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जैसा बी एस सी और एन एस सी इंडिया में है, ऐसा अमेरिका में क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। अमेरिका में क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसे क्या कहा जाता है? एन एस सी कहा जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि एन एस सी में क्या है करके, NYSE, तो NYSE का मतलब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी में क्या फर्क है? कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे लोकेटेड है? अमेरिका में लोकेटेड है। एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे लोकेटेड है? बॉम्बे में लोकेटेड है। ओके, तो ये है हमारा NYSE। तो इसमें जो कंपनीज आपको दिखेंगे, ये कौन सा कंपनीज रहेगा लिस्टिंग में? जो कंपनीज दिखेंगे आपको, ओके, तो इसमें कौन सा दिखेगा आपको? फॉरेन कंपनीज दिखेंगे, इंडियन कंपनीज नहीं दिखेंगे, फॉरेन कंपनीज दिखेंगे। ओके, शायद इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो ही समझ में आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो डॉलर्स में। क्यों डॉलर्स में है वो? बिकॉज वो कौन सा पे लिस्टेड है? वो एनवाईसी में लिस्टेड है। जैसे कि ये पीएम कंपनी हो गया, ये हैरी विल्सन कंपनी हो गया, ये एडम्स कंपनी हो गया, ये सब कहाँ पे लिस्टेड है? ये सब लिस्टेड है एनवाईसी में।
अभी समझ में आया बीएससी का मतलब है जहाँ पे इंडियन स्टॉक, एनएससी का मतलब है जहाँ पे इंडियन स्टॉक लिस्ट होता है, और एनवाईएससी का मतलब क्या है जहाँ पे क्या लिस्ट होता है, फॉरेन स्टॉक लिस्ट होता है, वहाँ उनका स्टॉक लिस्ट होता है उसे कहते हैं एनवाईएससी। और वहाँ पे एक और है जैसे कि हमारे इंडिया में बीएससी एनएससी दो ऑप्शन है, उधर एक ऑप्शन क्या है नैस्डैक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके इसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, अभी भूल गया उसको बोलता है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ ठीक है। नैस्डैक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी वही था बुक में, वही था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये फुल फॉर्म है उसका, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन। तो ये किसका फुल फॉर्म है, नैस्डैक का फुल फॉर्म है, और एनवाईएससी का क्या फुल फॉर्म है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एनवाईएससी का फुल फॉर्म है। ओके अभी समझा, तो नैस्डैक जैसा हमारे पास बीएससी एनएससी है वैसा उनके पास नैस्डैक, और ये स्टॉक एक्सचेंजेस एकदम पॉपुलर है वहाँ पे, जैसे कि एनवाईएससी हो गया नैस्डैक हो गया। अभी ये जब तक समझ में नहीं आएगा तभी तक हम देखेंगे, जैसे कि जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का पॉलिसी है वो अलग रहेगा और इंडिया का जो पॉलिसी है वो अलग रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डिफर होता है और उनका रूल्स एंड रेगुलेशन डिफर होता है। इसके लिए एक चीज ध्यान में रखना है कि उनका जो शेयर मार्केट है वो अलग परफॉर्म करता है, हमारा शेयर मार्केट अलग परफॉर्म करता है। Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly in the foreign stock exchange get listed to ADR trader. अभी मैं पॉइंट का बात कर रहा हूँ, ध्यान दो, जैसे कि अगर रिलायंस शेयर, अभी ध्यान दो, रिलायंस शेयर्स को उनका शेयर अमेरिका में भी सेल करना है, रिलायंस शेयर इंडिया में तो शेयर सेल कर रहा है, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू सेल देयर शेयर इन अमेरिका, तो उसे क्या कहेंगे, GDR कहेंगे। GDR का मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो लोग कहाँ पे जाके हम खुद का शेयर लिस्ट करेंगे, वो लोग जाके लिस्ट करेंगे NYSE में, समझा, जाके अमेरिका में सेल करना है तो उसको क्या कहेंगे, GDR कहेंगे। GDR का मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अगर अमेरिका का कोई भी कंपनी, जैसे कि ये कंपनी का हम नाम लेते हैं 3D सिस्टम, ये 3D सिस्टम को अगर इंडिया में लिस्ट करना है, अभी ध्यान दो, 3D सिस्टम को कहाँ पे लिस्ट करना है, इंडिया में लिस्ट करना है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ये बुक में दिया हुआ है। ADR एंड GDR आर डॉलर और यूरो डिनोमिनेटेड, पूरा दुनिया का बेस करेंसी क्या है, डॉलर और यूरो। तो अगर रिलायंस को वहां पे सेल करना है शेयर, तो उधर रुपीस में नहीं रहेगा, उधर कैसा रहेगा, डॉलर्स में रहेगा, अंडरस्टूड। इंडियन कंपनी इश्यूज शेयर्स ऑन इंटरमीडियरी, तो बीच का इंटरमीडियरी को क्या कहेंगे, डिपॉजिटरी बैंक कहेंगे। तो ये डिपॉजिटरी बैंक का नाम क्या है, न्यूयॉर्क बैंक या फिर सिटी ग्रुप, ये हो गया डिपॉजिटरी बैंक। तो रिलायंस अपना शेयर्स कैसा सेल करेगा, एक बैंक के थ्रू सेल करेगा, तो वो बैंक को क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी बैंक कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक में रहकर शेयर खरीदना है, इसका मतलब है कि शेयर्स तो शेयर मार्केट से खरीदेंगे, लेकिन एक बीच का एजेंट जो है वो किसका अपॉइंट करेंगे, बैंक का अपॉइंट करेंगे, ताकि अगर वो बैंक, अगर रिलायंस ने रिलायंस का शेयर को भी ऊपर से होता है, इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होता है, तो वो बैंक रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ADR एंड GDR सोल्ड टू पीपल इन फॉरिन कंट्री। ADR एंड GDR लाइक रेगुलर शेयर, दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, द प्राइस फ्लक्चुएट डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये कोई एकदम अलग शेयर नहीं है, ये सेम शेयर ही, जितना इसका इंडिया में रेट है वही रेट इसका US में भी रहेगा। Understood? Both ADR and GDR are depository receipts. Only difference is where they are traded. If depository receipt is traded in USA, अभी ध्यान दो, ADR का मतलब है जो receipt USA के अंदर ट्रेड होता है, या फिर USA का जो कंपनी है, ध्यान दो, अगर USA का कंपनी ने वर्ल्ड में किधर भी अपना खुद का डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी खुद का शेयर सेल किया, उसे कहा जाएगा ADR।
I repeat again, ADR का मतलब है any American company selling their share in any outside market. अगर उन्होंने इंडिया में भी सेल किया तो उसे क्या कहेंगे? ADR कहेंगे. लेकिन हाँ, अगर इंडिया का स्टॉक, इंडिया का शेयर फॉरेन में बिकेगा तो उसे IDR नहीं कहेंगे, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? उसे GDR कहेंगे. तो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, किधर भी ट्रेड करो, सबको GDR कहेंगे. सिर्फ अमेरिका को क्या नाम दिया हुआ? ADR नाम दिया हुआ. क्या उसका मतलब? अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, NRI एंड फॉरेन नेशनल कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेजिंग ADR एंड GDR. अभी देखो NRI जो वहां पे बैठा हुआ है इधर फॉरेन में, उसको रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो वो इंडिया में आके तो नहीं खरीदेगा, तो वो क्या करेगा? जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उधर से रिलायंस का शेयर खरीद लेगा. तो जब भी वो उधर से खरीदेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? GDR कहा जाएगा. कंपनी पेज डिविडेंड इन होम करेंसी. अभी देखो रिलायंस का शेयर अगर अमेरिका में खरीदा है तो कैसा मिलेगा रिटर्न? डिविडेंड कैसा मिलेगा? डॉलर्स में मिलेगा. होम करेंसी का मतलब है जो कंट्री से तुमने खरीदा है शेयर वही कंट्री से तुमको अमाउंट मिलेगा. अगर इंडिया में तुमने अमेरिका का शेयर खरीदा है तो तुमको रुपीस में पेमेंट दिया जाएगा, डॉलर्स में नहीं किया जाएगा. डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट्स इट इनटू करंट करेंसी ऑफ इन्वेस्टर्स एंड पेज डिविडेंड. यहाँ पे लिस्ट ऑफ GDR दिया हुआ है. GDR में क्या क्या आ गया? लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो यूरोप को बिलोंग करता है, लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, नस्डाक दुबई, अभी नस्डाक न्यूयॉर्क भी है, नस्डाक दुबई भी है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज. तो ये सब लोग किस पर डील करते हैं? GDR में डील करते हैं. अगर मैं अभी क्वेश्चन पूछूं कि ADR में कौन डील करता है तो क्या आएगा आंसर? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE. NYSE डील्स विद व्हाट? American Depository Receipt. Rest everyone deals with GDR. उसमें BSE और NSE का भी नाम लिख सकते हैं. Because it deals with what? Global Depository Receipt. Understood?